बिशप जिनकी गवाही है, इनकी पत्नी के गुप्त जगह पर गांठ हो गई थी। वह इनकी पत्नी हमेशा बीमार रहते थे, कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं रहते थे। फिर इन्होंने बिशप जी से अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करवाई, उसके बाद इनकी पत्नी बिल्कुल ठीक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह, बिशप जी को जय मसीह। मेरी पत्नी के कोई गुप्त जगह गांठ हो गई थी, तो वीरवार से मैंने पता चली थी, और संडे को मैं जब प्रेयर आया यहाँ पर, तो बिशप जी प्रार्थना कराई और दूसरे दिन ही गायब हो गई। हालेलुया। और मेरी पत्नी बीमार ही रहती थी, मेरे घर मेडिकल ही बन गया था, दवाइयाँ ही दवाइयाँ, कभी इधर दवाई कभी इधर दवाई, कभी हाथ टूट गया, कभी बुखार हो गया, कभी कुछ कभी कुछ। लगभग एक साल तक तो बुखार ही रहा था, मैं दवाइयाँ दिला, थक गया था, बुरा हाल हो गया था मेरा। तो फिर मैं यहाँ पर आया और बिशप जी से प्रार्थना कराई, और प्रार्थना कराने के बाद बिल्कुल चंगे हो गए। हालेलुया। और मैं जब बिल्कुल चंगे हो गए और फिर दवाइयों में पैसा लगना बंद हो गया, तो परमेश्वर ने मुझे एक बाइक की आशीष दी और एक वॉशिंग मशीन की आशीष दी है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी गवाही है, क्योंकि इनके गुप्त अंग में गांठ हो गई थी, उसके लिए इन्होंने प्रार्थना करवाई और ठीक हो गए। नहीं तो इनको डॉक्टरों के पास जाना पड़ता और ऑपरेशन करना पड़ा। ये बहुत बड़ी बात होती है, जैसे इनका विश्वास था कि परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवाएंगे और प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, ऑपरेशन से बचाया, उस गांठ को गायब कर दिया, इनके पैसे बचे, प्रभु यीशु मसीह ने आशीष दिया। हालेलुया। ये छोटी टेस्टमनी नहीं है, ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है। हालेलुया।